श्योर कि आप इसे प्रॉपरली समझें, ठीक है? अगर कोई भी डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। गॉट इट? सिविक्स चैप्टर नंबर 5, नेम ऑफ द चैप्टर इज पंचायती राज। द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर द थ्री लेवल्स ऑफ पंचायती राज सिस्टम। अब हमें क्या बताना है, पंचायती राज सिस्टम के जो तीन लेवल्स हैं उनके बारे में हमें बताना है, कौन कौन से लेवल्स हैं। सो द फर्स्ट वन इज ग्राम पंचायत, और लेट अस रीड द आंसर फर्स्ट। द थ्री लेवल्स ऑफ पंचायती राज सिस्टम आर द ग्राम पंचायत, द पंचायत समिति और जनपद पंचायत, एंड द डिस्ट्रिक्ट पंचायत और द जिला परिषद। ठीक है, इसमें फर्स्ट लेवल है ग्राम पंचायत, सेकंड लेवल क्या है, पंचायत समिति जिसे हम एक और नाम से जानते हैं, दैट इज जनपद, और थर्ड लेवल होता है दैट इज डिस्ट्रिक्ट पंचायत जिसे हम जिला परिषद भी बोलते हैं। ठीक है, तो द आंसर इज द थ्री लेवल्स ऑफ पंचायती राज सिस्टम आर द ग्राम पंचायत, द पंचायत समिति और द जनपद पंचायत, एंड द डिस्ट्रिक्ट पंचायत और द जिला परिषद। राइट, नेक्स्ट, हु लाइक द मेंबर ऑफ ग्राम पंचायत। अब ग्राम पंचायत के लोग, जो पंचायत में लोग होते हैं, जो मेंबर्स होते हैं, उन्हें कौन इलेक्ट करता है, उनको इलेक्ट कौन करता है, उनको वोट कौन करता है। तो द आंसर इज मेंबर्स ऑफ ग्राम पंचायत, सॉरी, मेंबर्स ऑफ द ग्राम सभा इलेक्ट द मेंबर ऑफ ग्राम पंचायत। अब ग्राम पंचायत के लोगों को कौन इलेक्ट करता है, ग्राम सभा के लोग। ठीक है, ग्राम सभा के लोग ग्राम पंचायत को इलेक्ट करते हैं फ्रॉम अमंग देमसेल्फ थ्रू सीक्रेट वोटिंग। और ये किस तरीके से होता है, सीक्रेट वोटिंग सिस्टम के थ्रू होता है। वो लोग सभी अपना वोट किसी एक पर्सन के लिए डाल देते हैं, और फिर अगर कोई पर्सन मैक्सिमम नंबर से आता है तो उसे इलेक्ट कर दिया जाता है। ठीक है, गॉट इट? सो लेट अस रीड द आंसर अगेन। मेंबर्स ऑफ ग्राम सभा इलेक्ट द मेंबर ऑफ द ग्राम पंचायत फ्रॉम अमंग देमसेल्फ थ्रू सीक्रेट वोटिंग। ओके, नेक्स्ट, हु इज अ सरपंच। सरपंच कौन है? ओके, हु इज अ सरपंच। सरपंच प्रिसाइड्स ओवर द मीटिंग ऑफ द ग्राम पंचायत। अब सरपंच कौन होता है, ग्राम पंचायत का जो हेड होता है, मतलब पंचायत में ही एक सरपंच होता है जो सारी मीटिंग्स को प्रिसाइड करता है, जो डिसाइड करता है कि मीटिंग कब करनी है, कब खत्म करनी है, कौन सी डेट को करनी है। राइट, दैट पर्सन इज कॉल्ड सरपंच, और वो ही पर्सन सुपरवाइज करता है सारे काम को, कि कौन सा काम कैसे करना है, कब करना है। राइट, शी ही इम्प्लीमेंट्स द डेवलपमेंट ऑफ डेवलपमेंट वर्क, और सरपंच ही सारे डेवलपमेंट के काम करवाता है। शी ही इज सिलेक्टेड फ्रॉम द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ ग्राम पंचायत। अब ग्राम पंचायत के लोगों को ग्राम सभा इलेक्ट करती है, हमने ये देखा है, लेकिन ग्राम पंचायत में ही एक पर्सन को एज अ सरपंच क्या किया जाता है, इलेक्ट किया जाता है। पंचायत में से ही एक मेंबर को सरपंच इलेक्ट किया जाता है। राइट, सो लेट अस रीड द आंसर अगेन। द सरपंच प्रिसाइड्स ओवर द मीटिंग ऑफ द ग्राम पंचायत एंड सुपरवाइजेज इट्स वर्क। शी ही इम्प्लीमेंट्स द डेवलपमेंट वर्क। ही और शी इज सिलेक्टेड फ्रॉम द सिलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द ग्राम पंचायत। राइट, नेक्स्ट, विच मिनिस्ट्री वॉज फॉर्म्ड एट द गवर्नमेंट लेवल टू गवर्न द पंचायती राज। कौन सी मिनिस्ट्री को फॉर्म किया गया था गवर्नमेंट लेवल पे ताकि पंचायती राज सिस्टम प्रॉपरली चल सके। सो द मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज वॉज फॉर्म्ड एट गवर्नमेंट लेवल टू गवर्न दी पंचायती राज। अब पंचायती राज को चलाने के लिए एक गवर्नमेंट ने एक नया लेवल फॉर्म किया था, उसका नाम है द मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज। ठीक है, बहुत इजी है। नेक्स्ट, व्हाट इज द प्राइमरी ड्यूटी ऑफ द न्याय पंचायत। न्याय पंचायत की प्राइमरी ड्यूटी क्या है। द
प्राइमरी ड्यूटी मतलब सबसे मेन काम क्या है उनका, प्राइमरी ड्यूटी, मेन ड्यूटी क्या है उनकी. सो द प्राइमरी ड्यूटी ऑफ न्याय पंचायत इज टू हेल्प रिजॉल्व माइनर केसेस एट लोकल लेवल इन एन इनएक्सपेंसिव वे. अब उनकी प्राइमरी ड्यूटी ये है कि जितने भी माइनर, माइनर मतलब छोटे मोटे जो केसेस होते हैं उनको सॉल्व करना लोकल लेवल पे ही, और उसमें ज्यादा एक्सपेंसेस नहीं लगते, मतलब ज्यादा खर्चा नहीं होता है, इनएक्सपेंसिव तरीके से प्रॉब्लम्स सॉल्व हो जाती हैं. दिस हेल्प द पार्टीज इन्वॉल्व्ड सेव टाइम एंड मनी. और जिसके साथ जो पार्टीज है जिनके बीच में लड़ाई हुई है या डिस्प्यूट हुई है उनके बीच में टाइम भी बचता है और मनी भी बचती है. ठीक है, ये काम कौन करता है? न्याय पंचायत काम करती है. राइट, यहां तक समझ में आया तो प्लीज थम्स अप. ओके, नेक्स्ट, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय पंचायती राज सिस्टम. अब हम क्या समझते हैं पंचायती राज सिस्टम क्या है? तो हमें पता है कि पंचायती राज सिस्टम थ्री टायर सिस्टम है जिसमें ग्राम पंचायत होती है विलेज लेवल पे, पंचायत समिति या जनपद पंचायत होती है एक ब्लॉक के लिए, और डिस्ट्रिक्ट या जिला परिषद होती है डिस्ट्रिक्ट लेवल के लिए. और ये सारी ही जो लेवल्स हैं काय के लिए काम करते हैं, हमारी नीड्स को फुलफिल करते हैं और हमारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं. यही है पंचायती राज सिस्टम. राइट, अब सेम ये आंसर लिखा हुआ है, आंसर पढ़ते हैं हम. पंचायती राज सिस्टम इज अ थ्री टायर सिस्टम टू सेल्फ गवर्नेंस विद पंचायत, ग्राम पंचायत एट विलेज लेवल. यही देखा है हमने कि तीन लेवल में है. पहला होता है ग्राम पंचायत एट विलेज लेवल, फिर पंचायत समिति और जनपद पंचायत एट ब्लॉक लेवल. राइट, एंड द थर्ड वन इज डिस्ट्रिक्ट पंचायत और द जिला परिषद एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल. दे फुलफिल द नीड्स एंड सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ द रूरल एरियाज. राइट, बहुत इजी था. रूरल एरियाज मतलब जो विलेज होते हैं, टाउन होते हैं, वहां की प्रॉब्लम्स और वहां की जो नीड्स है वो फुलफिल करी जाती है. ब्लॉक मीन्स, मैंने जब आपको चैप्टर समझाया था ना बेटा, तो मैंने आपको बताया था कि ब्लॉक क्या होता है. ब्लॉक में एक्चुअली एक बड़ा सा एरिया जिसमें बहुत सारे विलेज इंक्लूड होते हैं, ठीक है, उसे ब्लॉक कहते हैं. यस शिवांग शर्मा, क्या डाउट है तुम्हें? एक्सक्यूज मी मैम, ब्लॉक मैम वो पंचायत समिति में, जो पंचायत समिति में ना बहुत सारे ग्राम पंचायत होते हैं ना. यस, हाँ सही बात है. ओके, नेक्स्ट इज डिस्कस ब्रीफली द इम्पोर्टेंस ऑफ ग्राम सभा. अब ग्राम सभा कौन है? हमने आपको बताया कि ग्राम पंचायत को इलेक्ट ग्राम सभा करती है. तो सभा में कौन होता है? सभा में वो सारे लोग जो किसी विलेज में रहते हैं और उनकी एज क्या है, 18 या 18 से अबव, वो सभी लोग मैन हो या वुमेन, वो क्या है, मेंबर है ग्राम सभा के. ठीक है, so let us read the answer. All men and women of the village above 18 years of age are member of gram sabha. Right, sabhi men or women jo village mein rehte hain jinki age 18 years ya usse above hai wo gram sabha ke members hote hain. Unka kaam kya hai? It ensures डेवलपमेंट ऑफ द पीपल. वो उनका एम क्या होता है कि लोगों का डेवलपमेंट हो थ्रू देयर पार्टिसिपेशन एंड म्यूचुअल कॉर्पोरेशन इन डिसीजन मेकिंग प्रोसेस.
मोटिव क्या होता है कि वो लोगों के डेवलपमेंट के बारे में सोचे, एक साथ मिलकर पार्टिसिपेट करें किसी डिसीजन में, राइट, और म्यूचुअल कोऑपरेशन के साथ डिसीजन लें, मतलब एकता के साथ काम करें, ठीक है, यूनिटी के साथ काम करें। इट प्लेज अ क्रूशियल रोल, क्रूशियल मतलब क्या होता है, इंपॉर्टेंट। सो इट प्लेज अ इंपॉर्टेंट रोल या क्रूशियल रोल इन इलेक्टिंग द मेंबर्स ऑफ ग्राम पंचायत। और ये सबसे इंपॉर्टेंट रोल काय में प्ले करते हैं, इनका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल क्या होता है, पंचायत को इलेक्ट करना, है ना, उनको वोट देना। हु आर आंसरेबल टू द ग्राम सभा फॉर देयर वर्क एंड मेकिंग देम फुलफिल इट्स रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। ना, ग्राम पंचायत के जो लोग होते हैं, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट ग्राम सभा हियर, वी आर टॉकिंग अबाउट ग्राम पंचायत, जिसे ग्राम सभा के लोग इलेक्ट करते हैं। तो ग्राम पंचायत में जो वो पांच पंच होते हैं, वो किसको आंसरेबल होते हैं, पूरे विलेज के लोगों को, मतलब ग्राम सभा को, कि उन्होंने क्या काम किया है, उनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, वो गांव में क्या डेवलपमेंट करेंगे, ये सारे जवाब ग्राम पंचायत को, ग्राम सभा को देने होते हैं। इट एक्ट एज अ चेक ऑन द पंचायत एंड प्रिवेंट इट फ्रॉम मिस यूजिंग द पावर्स। अब ग्राम सभा क्या करती है, रेगुलरली पंचायत के ऊपर एक चेक करती, मतलब उन्हें चेक करती है कि वो क्वेश्चंस करती है कि आप प्रॉपरली काम कर भी पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। कोई पंचायत में ऐसा पर्सन तो नहीं है जो अपने पावर को मिस यूज कर रहा है। तो इन सब का ध्यान कौन रखती है, ग्राम सभा रखती है, गाँव के लोग रखते हैं। ठीक है, ये आंसर समझ में आया, देन प्लीज थम्स अप। ओके, नेक्स्ट इज लिस्ट टू सोर्सेस ऑफ इनकम ऑफ पंचायत और ग्राम पंचायत। अब ग्राम पंचायत जो होती है, गांव की जो पंचायत होती है, जिन्हें पंच बोलते हैं हम, उनके सोर्स ऑफ इनकम बतानी कि उनके पास पैसा कहाँ से आता है, दो सोर्सेस बताने हैं। सो द टू सोर्सेस ऑफ इनकम ऑफ ग्राम पंचायत आर द टैक्सेस लेवाइड ऑन हाउसेस, शॉप एंड अदर ओपन स्पेस इन विलेजेस एंड प्रोफेशनल टैक्स। अब क्या है, कौन कौन से दो सोर्सेस बताने थे, इसमें तो बहुत सारे सोर्सेस लिखे हैं, ठीक है, तो हमें दो लिखने हैं। पहला सोर्स है वो टैक्स, हाउस टैक्स, घरों पे जो टैक्स लगाया जाता है या जो शॉप पे जो टैक्स लगाया जाता है, ये सारे टैक्सेस। एंड अनदर सोर्स इज ग्रांट इट रिसीव्स फ्रॉम स्टेट गवर्नमेंट एंड दी जिला परिषद। अब गवर्नमेंट क्या करती है, ग्रांट्स देती, ग्रांट्स मतलब कुछ सम ऑफ मनी देती है ग्राम पंचायत को, कि वो उस गांव में क्या करे, डेवलपमेंट करें, कुछ अगर जरूरतें हैं जैसे स्कूल बनवाना है, हॉस्पिटल बनवाना है, तो इसके लिए क्या करती है, पैसा देती है, तो उसे ग्रांट्स कहते हैं। सो ये ग्रांट्स उन्हें स्टेट गवर्नमेंट भी देती है और जिला परिषद भी देती है। ठीक है, तो पहला सोर्स क्या हो गया, द टैक्स लेवाइड ऑन हाउसेस एंड शॉप्स एंड अदर स्पेस इन इन विलेजेस एंड प्रोफेशनल टैक्सेस, टैक्सेस ऑन पिलग्रिमेज, पिलग्रिमेज मतलब जो तीर्थ स्थल होते हैं ना, उस पर भी टैक्स लगाया जाता है। फेयर्स, फेयर्स मतलब मेला, मेले में भी टैक्स लगाया जाता है। देन मार्केट एंड एनिमल ट्रेड, एनिमल ट्रेड मतलब जैसे एनिमल्स को सेल और परचेज किया जाता है ना, बेचा और खरीदा जाता है, इस तरीके से उस पर टैक्स लगाया जाता है। तो ये उनकी इनकम का सोर्स है। ठीक है, ये आंसर समझ में आया, देन प्लीज थम्स अप। ओके, व्हाट हैपेंड ताहा, मैम सबसे ऑप्शन ही नहीं आ रहा। क्या मैम थम्सअप का ऑप्शन ही नहीं आ रहा। थम्स अप का ऑप्शन नहीं आ रहा है? ओके,
यस उम्मे हनी मैम, हमको भी हम सबको ऑप्शन नहीं आ रहा है। इट्स ओके, आप चैट बॉक्स में ओके लिख सकते हो, ठीक है, जिसे नहीं मिल रहा है। ओके मैम। राजवीर कोई डाउट है आपको? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिस्कस द मेन फंक्शंस ऑफ ग्राम पंचायत। ओके, ग्राम पंचायत के मेन फंक्शंस बताने हैं, ग्राम पंचायत क्या काम करती है, क्यों जरूरी है गांव में पंचायत। यस तेजस, यस मैम, आपने हैंड क्यों रेस किया, कोई डाउट है क्या आपको? मैम मैं वो गलती से हो गया। ओके, ओके, तो ग्राम पंचायत के क्या क्या फंक्शंस है? लेवाइंग एंड कलेक्टिंग टैक्सेस, टैक्सेस को लागू करना और उसे कलेक्ट करना, टोल्स एंड फीस फ्रॉम देयर विलेजेस। टोल्स, जैसे हम टोल टैक्स पे करते हैं ना, ऐसे टोल टैक्स कलेक्ट करना, और जो भी फीस लगती है जैसे लाइसेंस की फीस लगती है तो वो विलेज में रहने वाले लोगों से कलेक्ट करना, ठीक है। नेक्स्ट है इंश्योरिंग वेलफेयर ऑफ पीपल एट द विलेज लेवल इंक्लूडिंग हेल्थ एजुकेशन एंड कम्युनल हारमोनी एटसेट्रा। फिर जो गांव में जो लोग रहते हैं उनके वेलफेयर के बारे में सोचना, उनकी भलाई के बारे में सोचना, रिलेटेड टू हेल्थ उनकी हेल्थ के बारे में सोचना, उनकी एजुकेशन के बारे में सोचना, और कम्युनल हारमोनी मतलब जितनी भी कम्युनिटीज गांव में रहती है उनके बीच में यूनिटी बनी रहे, ये भी चीज किसका काम है? ग्राम पंचायत का, ठीक है। एंड बेटा ये जो पेज है ये थोड़ा सा ब्लर है, तो आप लोग अपने नोट्स में इसको देख लीजिएगा, ठीक है, ये प्रॉपरली नहीं दिखाई देगा क्योंकि आई गेस ये स्केलिंग प्रॉब्लम है, ठीक है। तो जिसके भी पास नोट्स है वो अपने नोट्स में देख लो इस आंसर को। ओके, सो इसका थर्ड पॉइंट है कंस्ट्रक्शन एंड रिपेयर ऑफ विलेज वेल्स एंड हैंड पंप्स, रोड्स, ड्रेनेज, स्कूल बिल्डिंग्स एंड प्लांटेशन ऑफ ट्रीज। अब गांव में कंस्ट्रक्शन और रिपेयर का जो काम है वो भी देखना, जैसे कि हैंड पंप्स बनवाना, रोड बनवाना, और ड्रेनेज, ड्रेनेज मतलब क्या होती है, जो नालियां होती है ना, नालियां बनवाना, फिर स्कूल की बिल्डिंग बनवाना, प्लांटेशन करवाना, ये सब किसका काम है? ग्राम पंचायत का। नेक्स्ट, मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड रिलेटिंग टू बर्थ, डेथ एंड मैरिज इन द विलेज। विलेज में अगर किसी का बर्थ हुआ है, किसी की डेथ हुई है, या किसी की शादी हुई है, राइट, तो उसका जो रिकॉर्ड है वो मेंटेन रखना भी ग्राम पंचायत का काम है। नेक्स्ट इज इम्प्लीमेंटिंग गवर्नमेंट स्कीम फॉर जनरेटिंग एम्प्लॉयमेंट इन द विलेज। अब गवर्नमेंट जो जो भी स्कीम निकालती है, राइट, उसे लागू करना, और जिसके कारण लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिले, नौकरियां मिले, राइट, वो भी ध्यान रखना। What? You can raise your hand, बेटा। आप अपना हाथ hand raise कर लो ताकि मैं आपसे पूछ लूं। Yes, पराग। मैम आपने टू टेक्स बताई है क्या? मैम आपने नाइन्थ क्वेश्चन में टू टेक्स बताई है। नाइन्थ क्वेश्चन में मैम आपने बोला था ना, मैं आपको टू टैक्स बता रही हूँ। व्हाट टैक्स? यस मैम। नो मैम,
मुझे आपका मतलब आपको जो डाउट है बेटा वो समझ में नहीं आ रहा है, आप एक बार और क्लियरली बताइए क्या पूछना चाह रहे हैं। मैं आपने 9th क्वेश्चन में 2 टैक्स बताने को बोला था ना। 2 टैक्स ने 2 सोर्सेज ऑफ इनकम बताया था बेटा, क्वेश्चन में तो यही पूछा है ना कि दो तरीके के इनकम के सोर्स बताओ। तो पहला तो सोर्स है टैक्सेस जो लोग पे करते हैं। अब बहुत सारे टैक्स पे करते हैं, जैसे कि हाउस टैक्स पे करते हैं, शॉप का टैक्स पे करते हैं, फिर जो ओपन स्पेस होती है उसके लिए भी हम टैक्स पे करते हैं, कुछ प्रोफेशनल टैक्स भी होते हैं, टैक्सेस ऑन पिलग्रीमेज जो जो तीर्थ स्थल होते हैं ना उनके ऊपर भी टैक्स पे करते हैं, और फेयर फेयर मतलब जो मेला लगता है ना उसमें भी टैक्स पे किया जाता है। तो इन सारे टैक्स, ये जितने भी टैक्सेस होते हैं, पहला सोर्स तो ये हो गया, और दूसरा सोर्स क्या है, गवर्नमेंट जो पैसा देती है ना, तो गवर्नमेंट डायरेक्ट आकर तो देती नहीं है, गवर्नमेंट किसके पास पहुंचा देती है पैसा, या तो स्टेट गवर्नमेंट देती है या फिर जिला परिषद देती है। ठीक है, तेजस डू यू हैव एनी डाउट? तेजस ओके, सो नेक्स्ट वन, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन न्याय पंचायत। न्याय पंचायत के ऊपर हमें शॉर्ट नोट लिखना है, न्याय पंचायत क्या है। तो न्याय पंचायत नाम से समझ में आ रहा है जो न्याय देती है, न्याय मतलब जस्टिस प्रोवाइड करती है ना। इन सम ऑफ दी विलेजेस वी ऑल्सो फाइंड न्याय पंचायत। अब कुछ विलेजेस में न्याय पंचायत भी होती है। इट इज द टास्क ऑफ विलेज पंचायत टू अपॉइंट द मेंबर ऑफ द न्याय पंचायत। अब विलेज पंचायत के लोगों लोग जो होते हैं वो ही किसे अपॉइंट करते हैं, न्याय पंचायत के मेंबर्स को अपॉइंट करते हैं। न्याय पंचायत लिसन टू द केसेस सच एज माइनर थेफ्ट, ट्रेसपासिंग, फैमिली फ्यूड एंड अदर स्मॉल केसेस। अब न्याय पंचायत का क्या काम क्या होता है, जो छोटी मोटी चोरी होती है या फैमिली में जो झगड़े होते हैं या फैमिली के जो इश्यूज होते हैं उनके और भी छोटे केसेस जो होते हैं उनके उनको सुनती है और उनके ऊपर जस्टिस देती है। दे कैन इम्पोज फाइन्स अप टू 100 रुपीज बट कैन नॉट सेंड एनीवन टू प्रिजन। अब ये जो न्याय पंचायत होती है ये क्या कर सकती है, फाइन इम्पोज कर सकती है, मतलब जो फाइन लगते हैं ना, जैसे समटाइम्स वी हैव टू और अ पर्सन हैव टू पे थाउजेंड्स ऑफ रुपीज और हंड्रेड्स ऑफ रुपीज एज अ फाइन, तो ऐसे फाइन वो लगा सकती है लेकिन वो किसी को जेल नहीं भेज सकती। द एडवांटेज ऑफ न्याय पंचायत इज दैट इट हेल्प्स टू रिजॉल्व माइनर केसेस एट लोकल लेवल इन एन इनएक्सपेंसिव वे। अब न्याय पंचायत का सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है कि ये जो प्रॉब्लम्स होती है उसे सॉल्व कर देती है लोकल लेवल पे और बिना ज्यादा खर्चे के हमें जस्टिस मिल जाता है। सच केसेस आर सॉल्व फास्ट एंड हेल्प द पार्टीज इन्वॉल्व्ड सेव मनी एंड टाइम। और ऐसे केसेस जल्दी से सॉल्व हो जाते हैं और जो दोनों पार्टीज है उनका ज्यादा पैसा भी नहीं लगता है और ज्यादा टाइम भी कंज्यूम नहीं होता है। ठीक है, यहां तक समझ में आया?